के जी ने क्या एनालॉजी दी है कौशिक जी, उन्होंने तो पूरा आर्ग्यूमेंट ही चेंज कर दिया। के जी ने क्या एनालॉजी दी है कौशिक जी, उन्होंने तो पूरा आर्ग्यूमेंट ही चेंज कर दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा एके जी चौटाला जैसे मेरे पिता जेल में नहीं है, मैं पानी पिला दूंगा। एके जी एक चीज तो सुनिए आप मुझे, क्या नहीं आप बोलिए बोलिए नहीं क्या, इनको बता दीजिए अगस्त ऋषि भी हुए हैं, समुद्र पी के निकाल दिया है। हाँ तो आप उसकी चिंता मत करिए, पानी पिला देंगे तो पानी निकालने का भी अभिमन्यु का उदाहरण दे रहे हैं ना, इनको पता होना चाहिए अभिमन्यु अपने बाप अर्जुन के कंधे पे बैठ के नहीं गया था। सबसे बड़ी पार्टी एके जी का आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है, सरकार कैसे बनेगी? अरे सुनिए सुनिए सुनिए, सरकार बना रहे कैसे, सरकार एके जी सरकार बना रहे, सुन लीजिए। एक्सट्रीमली टैलेंटेड पॉलिटिकल एंडर्स ना, अपने एमएलए को घबरा अंदर मतोश्री के अंदर क्या चल रहा है एके जी? ये एक घर में शादी हो रही थी बड़े भाई की, और इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आया तो सीएम रूपी कुर्सी का दुल्हन का मुंह देखने घर वाले गए, तो छोटा भाई बोला भाई पहले मेरी शादी करा दो, उसकी नीयत में खोट आ गया। यही चल रहा है अब, बैंड बाजा नगाड़े वाले कांग्रेस और एनसीपी सोच रहे हैं भाई बुकिंग तो हुई है, किसके बारात में नाचे पहले ये तय हो जाए, दूल्हा कौन बनेगा फिर उसी तरफ से बजाएंगे। के जी ने क्या एनालॉजी दी है कौशिक जी, उन्होंने तो पूरा आर्ग्यूमेंट ही चेंज कर जाएंगे। के जी ने क्या एनालॉजी दी है कौशिक जी, उन्होंने तो पूरा आर्ग्यूमेंट ही चेंज कर दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा एके जी चौटाला जैसे मेरे जेल में नहीं है, मैं पानी पिला दूंगा। एके जी एक चीज तो सुनिए आप मुझे, क्या नहीं आप बोलिए बोलिए नहीं क्या, इनको बता दीजिए अगस्त ऋषि भी हुए हैं, समुद्र पी के निकाल दिया है। हाँ तो आप उसकी चिंता मत करिए, पानी पिला देंगे तो पानी निकालने का भी ये कुतर्क है। देखिए यहाँ पे आप तो आपने जेजेपी के साथ आपने आराम से गठबंधन कर लिया, और वहाँ पे शिवसेना के साथ भी दिक्कत हो रहा है, 50-50 का पुराना समझौता था। नहीं नहीं मैं मानता हूँ शिवसेना होशियार है, वो कांग्रेस की गलती नहीं दोहराना चाहती है। राहुल गांधी आपको नहीं लग रहा कि अगर आपकी सत्ता में नहीं आएंगे, अगर एक दिन अगर आपको लग रहा है कि शिवसेना जो है, एक दिन अगर आपको लग रहा है कि शिवसेना गलती करने वाली है, तो आज आप बोलिए कि हम शिवसेना के बगैर सरकार नहीं बनाएंगे, और शिवसेना अगर मुख्यमंत्री नहीं चाह रही तो आप दोनों में सरकार तो बन नहीं रही, तो क्या चल क्या रही है, क्या एमएलए स्पोच होने वाले? जब कोई नट जाएगा रूड हो जाएगा तो सारे ऑप्शन ओपन है, केवल शिवसेना के लिए ओपन थोड़ी है, बीजेपी के लिए। क्या क्या कांग्रेस किसके साथ करेंगे, किसके साथ? ये तो बीजेपी अभी अपना मुंह नहीं खोल रही है, आदर कर रही है महागठबंधन धर्म का। आप राष्ट्रपति शासन की धमकी क्यों दे रही है बीजेपी? राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए चुनाव हुए थे, संवैधानिक तरीका है वो, संवैधानिक तरीका है। तरीका ये है कि सबसे बड़ी पार्टी को पहले बुलाया जाएगा। बनाइए ना, आप सरकार क्यों नहीं बना पा रहे हैं? सरकार बनेगी तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, संविधान के हिसाब से पहले निमंत्रण मिलेगा सबसे बड़ी पार्टी को, बीजेपी को पहले निमंत्रण मिलेगा जो सबसे बड़ी पार्टी है। वो तो आप सबसे बड़ी पार्टी एके जी का आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है, सबसे बड़ी पार्टी एके जी का आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है, पर एके जी और संदीप जी आप एक आ रहे हैं और जी सबसे बड़ी सुनिए, जब इन्होंने सरकार बनाने का दावा ही पेश नहीं सिखाइए, सबसे बड़ी पार्टी कौन सी आई है? दावा ही पेश नहीं किया, समर्थन लीजिए अंगुली, अगर शिवसेना ने दावा कर दिया तब ये यहाँ पर राजनीति हो रही है या महाभारत का युद्ध हो रहा है? महाभारत का युद्ध हो रहा है, महाभारत का युद्ध हो रहा है। रुक जाइए एके जी, नहीं न्याय के लिए महाभारत का युद्ध करना पड़ेगा तो होगा। सबसे बड़ी पार्टी जो आई है संविधान के हिसाब से, आप गलत क्वेश्चन मत उठाइए। महाभारत का युद्ध न्याय के लिए हुआ था, 5 गांव नहीं दिए थे, उसने बोला सुई के बराबर भी नहीं दूंगा, तो होगा संविधान के हिसाब से होगा। सबसे बड़ी जो पार्टी है पहले उसको न्योता मिलेगा, उसको चांस मिलेगा। इधर जनता से नहीं, मेरे को सवाल अवधेश जी और संदीप जी आप आ जाइए, बहुत बड़ी बात बोली है आज, बहुत बड़ी बात बोली है उन्होंने कि न्याय की लड़ाई होगी। नहीं नहीं, अमलेंदु जी इसी पे लड़ाई तो न्याय होगी, ये न्याय की जो लड़ाई है, ये न्याय क्या है? न्याय मतलब ये है कि जनता के मैंडेट को रिस्पेक्ट करना, और न्याय का मतलब ये है कि एक दूसरे की सीटें नहीं काटना। और अगर न्याय की बात की जा रही है तो आप मुझे बताइए, जनता का मैंडेट ये है, मैं वही कह रहा हूँ जनता का मैंडेट ये है, नहीं जनता का मैंडेट ये है, जनता का मैंडेट ये है कि बीजेपी को मिली, तो राष्ट्रपति सबसे बड़ी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, गवर्नमेंट की सिचुएशन, शिवसेना राष्ट्रपति शासन लगाए या सबसे बड़ी पार्टी को पहले मौका दे। अब इसी चीज, अगर वो चीफ मिनिस्टर के लिए इतने कॉन्फिडेंट थे तो इसके पहले एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्यों नहीं कहा कि आदित्य जी मुख्यमंत्री बन सकते? अभिमन्यु का उदाहरण दे रहे हैं ना, इनको पता होना चाहिए अभिमन्यु अपने बाप अर्जुन के कंधे पे बैठ के नहीं गया था।
अभिमन्यु का उदाहरण दे रहे हैं ना, इनको पता होना चाहिए अभिमन्यु अपने बाप अर्जुन के कंधे पे बैठ के नहीं गया था। अच्छा मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार बनेगी कैसे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई सरकार बनेगी कैसे। संदीप क्या चाह रहे उद्धव ठाकरे? होम मिनिस्ट्री चाह रहे? एमसी ज्यादा चाह रहे? क्या चाह रहे? लॉबिंग हो क्या रही है के जी? मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्यों जनता का समय वेस्ट किया जा रहा है एक दिन में? क्या है न्याय धर्म? न्याय धर्म ये लड़ाई करना? न्याय धर्म ये है के जी, अच्छी बात आपने अभिमन्यु की बात कर दी, महाभारत की न्याय की बात कर दी, मुझे बताइए क्या न्याय के अंदर कौन यहाँ पे बोलना चाहेगा? आप क्या संकल्प न्याय के अंदर एके जी और अवधेश जी, आप ऐसा होता है ना नहीं? आप मुझे बताइए कौन से ऑप्शन से बनने वाली? क्या शिवसेना जो जिसको अभी संदीप जी ने बोला छुछुंदर, क्या छुछुंदर के साथ अगर कल बीजेपी ने सरकार बनाई तो क्या ये छुछुंदर और भगवा की सरकार होगी? आप शिवसेना को छुछुंदर बुला रहे तो उसको छोड़िए और बोलिए कि शिवसेना के मैंडेट का डिसरिस्पेक्ट किया, जनता के पास जाइए, शिवसेना को खत्म करिए। संदीप द्विवेदी जी ने छुछुंदर दूसरी पार्टी के लिए बोला था, करेक्ट कर। लड़ाई तो आप दोनों में हो रही है ना, बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई में परिवार समझ। सरकार कैसे बनेगी? अरे सुनिए सरकार बना रहे कैसे? एके जी सरकार बना रहे, सुन लीजिए। सरकार कैसे बनेगी? अरे सुनिए सरकार बना रहे कैसे? सरकार एके जी सरकार बना रहे, सुन लीजिए। सरकार कैसे बनेगी? शिवसेना का कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ, शिवसेना का चिन्ह है शेर झंडे में, वो अपने सारे शेरों को लेके गई है 5-स्टार होटल में, भूखे हैं आपसे डर के थोड़ा। अब पता नहीं किससे डर गए, जनता से डर गए, इस संविधान से डर गए। सुनिए पहले, थोड़ा सा वो भूखे हैं, शेर को निवाला मिल जाएगा। क्या भूखे मतलब क्या? कुछ मॉनिटरी डीलिंग होने वाली? भूखे मतलब क्या है? भूखे मतलब क्या है? नहीं भूखे मतलब क्या है? ये भूखे मतलब क्या है? भूखे मतलब क्या? भूखे का मतलब है पद, राजनीतिक पद, सीएम की कुर्सी का पद। उनको थोड़ा सा लोटा डाल दिया जाएगा, एक समझौता हो जाएगा बनकर। क्या एक्शन? आपने बोला कि उसमें कुछ डाल दिया जाएगा, क्या आप कह रहे हैं कि शिवसेना ऐसा भूखा, कैसी बात कर रहे हैं कि कुछ दे दिया जाएगा? अवधेश जी शौक दूं मैं, शौक मतलब ये बेसिक लॉबिंग हो रही है। भूखे का मतलब है राजनीतिक पद, राजा देना चाह रहे हैं किस पद? अच्छा अभी लॉबिंग हो रही है, निगोशिएशन जा रहा है, क्योंकि मैंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं देखा था। एके जी बोलिए बोलिए बोलिए। पिछली बार गए बीजेपी का सीएम रहा था, अभी अगर शिवसेना का रहता है, छोटे भाई को अगर मौका दिया जाता है तो कौन सी बुरी बात? बताइए नहीं, दे दीजिए ना मौका, दे दीजिए इसी छोटे भाई को मौका दे दिया जाए तो क्या दिक्कत है? प्लीज यार क्या दिक्कत है? एक जी सुनिए, युवाओं को मौका देने की बात समझ सकते हैं? युवा आप है, आप ही को भेजते, आप मुख्यमंत्री बन जाइए, सबसे युवा आप है, आपको भेजते। देश संविधान ढंग से बात कर रहे हैं, संविधान और नियम के हिसाब से डिसाइड होगा। नहीं नहीं आप बोल, मुझे बताइए एक से मैं पूछूंगा। नहीं एके जी अगर मान लीजिए आप शिवसेना के साथ सरकार भी बन जाती तो आपको ये डर नहीं है कि हर हफ्ते शिवसेना के उद्धव ठाकरे आएंगे और सरकार को इकोनॉमी पे घेरेंगे, किसी पॉइंट पे घेरेंगे और मजाक उड़ाएंगे? क्या आप एक ऐसी पार्टी के साथ अलायंस करना चाहते हो तो सरकार के अंदर रहते हुए ऑपोजिशन का काम करे? क्या आप तैयार है उस चीज के लिए? क्योंकि मैं शिवसेना के पास बेस्ट ऑप्शन है वो बीजेपी से मिलके बनाए, ये दोनों ठीक।